God bless you students, how are you? Hope so all are fine and happy at home. Students, मैम फोसी आपके साथ जो शेयर कर रही हैं एट चैप्टर की वीडियोस, वो आप अच्छे से केयरफुली से देखें, ठीक है। हमने एट चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं और न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है। तो अब जो मैं आपको स्टार्ट करवा रही हूँ वो है चैप्टर नंबर 10। पेयरिंग है 8 और 10 चैप्टर के आपस में क्या है, पेयरिंग है। ए पार्ट जो है वो 8 चैप्टर में से आएगा और बी पार्ट जो है क्वेश्चन का है वो चैप्टर नंबर 10 से आएगा। तो हमारे पास जो है आज टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री मीन केमिकल, ठीक है, चेंजिंग। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल एनर्जी, या फिर हम सम टाइम कैसे करते हैं कि केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। कि इसके आपने उसमें नाइन्थ क्लास में जो है सेवन चैप्टर था उसमें आपने इसका गैल्वेनिक सेल और जो है वोल्टिक सेल उसकी स्टडी की होगी, ये उससे रिलेटेड चैप्टर है, ठीक है ये उसी से रिलेटेड, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने और ज़्यादा इसको मॉडिफाई कर दिया। इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री इज कंसर्न विद द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू अ केमिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, किसमें हम ये करना है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। एज वेल एज अब हमारे पास थोड़ा इसका टर्न उल्ट हो जाए, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी, पहले हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कर रहे थे केमिकल एनर्जी में, कि मतलब बाहर से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते थे और हमारे पास जो केमिकल्स हैं वो किसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में कन्वर्ट होते थे। अब हम क्या कर रहे हैं कि कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी, मतलब केमिकल्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में कन्वर्ट हो रहे हैं, और वो किसको, और वो क्या कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर जो एक मीटर लगी होगी वो उसकी मूवमेंट, मतलब उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और इसको हम क्या कहते हैं, गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, थोड़ा सा इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस टेक प्लेस, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में कन्वर्ट होते हैं ना, इस वजह से उन्होंने कहा है कि हमारे पास क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब तोड़ रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है। इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन और अ फ्यू स्टेट ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइट, हम क्या करते हैं कि बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और फिर वहां पर रिएक्शन टेक प्लेस होता है। द इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड सफिशियंट एनर्जी टू कॉज अ नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है, कि खुद ब खुद रिएक्शन नहीं हो रहा बल्कि हम बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है यहाँ पर, ठीक है, रिएक्शन टेक प्लेस। अ गैल्वेनिक सेल, लेकिन गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, उससे उल्ट होता है। एन अदर हैंड प्रोवाइड्स अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिजल्ट्स फ्रॉम अ स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड खुद कर रहा है, इट्स मीन ये खुद बा खुद रिएक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन उसके दरमियान में हुई और उसने हमें क्या प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है, ठीक है। रिएक्शन टेक प्लेस इन द सोल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट एंड बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशंस, हम ऑक्सीडेशन स्टेट को पहले पढ़ते हैं कि हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो है सोडियम वो फर्स्ट ग्रुप में से बिलोंग कर रहा है, पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप में से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब सोडियम की हमारे पास क्या होती है, प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। या फिर हम ये कहते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, इट्स मीन इसकी हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, प्लस वन, ठीक है। अब हम कहते हैं क्लोरीन हमारे पास सेवन ग्रुप में से बिलोंग कर रहा है, जिसके ऑटोमोल शेल में वन इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी है। अब वो डेफिशिएंसी किससे फुलफिल, वन इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इसका मतलब माइनस वन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पे ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। हम या तो उसको ग्रुप के ना लिहाज से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दे देते हैं, या फिर क्या हो रहा है कि वो जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं या जितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेजर की जाती है। तो यहाँ पर हमारे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट, जब वो फ्री स्टेट में है, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम किसी के साथ भी कंबाइंड फॉर्म में नहीं है, ठीक है, हाइड्रोजन किसी के साथ भी कंबाइंड फॉर्म में नहीं है, मैग्नीशियम, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जीरो होती है। दिस ऑफन शोन एज अ जीरो रिटन ऑन द सिंबल हमारे पास इस फॉर्म में। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन
consisting of a single element is the same as the charge on the ions. For example, oxidation number of potassium, calcium, aluminium. ठीक है, रिस्पेक्टिवली हमारे पास इसकी क्या होती है, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री. पोटाशियम हमारे पास फर्स्ट ग्रुप में से बिलोंग कर रहा है, मतलब इसके एटमोस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है जो ये क्या कर सकता है, अपना ऑक्टेट और डबलेट रूल कंप्लीट करने के लिए लूज कर सकता है. तो उसने वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज. ये बेरियम हमारे पास क्या है कि इसके एटमोस शेल में वन इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, मतलब किसी दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर लेगा, तो इसलिए इसके ऊपर क्या है, माइनस का साइन है. प्लस माइनस वन लिख दो या प्लस वन लिख दो, बात एक ही है, प्लस माइनस. ठीक है, कैल्शियम सेकेंड ग्रुप में से बिलोंग कर रहा है तो टू पॉजिटिव. या फिर हम ये क्या कहेंगे कि कैल्शियम के एटमोस शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा मौजूद है, या फिर इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए क्या कर देगा, टू इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा. एल्युमिनियम थर्ड ग्रुप में से बिलोंग कर रहा है, इसी तरह सो ऑन. तो उनके ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री माइनस. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल इट्स कंपाउंड एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड इज प्लस वन. हाइड्रोजन की क्या होती है, मेटल हाइड्राइड में प्लस वन होती है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज करे तो ये, क्योंकि हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, ना तो ये मेटल है ना ये नॉन मेटल है, बल्कि ये क्या है, गैस है. ठीक है, तो जब ये अगर एज अ मेटल के तौर पर एक्ट करती है तो प्लस वन है, और अगर ये नॉन मेटल के तौर पर एक्ट करती है तो माइनस वन. हाइड्रोजन के एटमोस शेल में क्या होता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ये आएगी हमारे पास प्लस वन इसके ऑक्सीडेशन. ठीक है, या फिर ये क्या करे कि एक इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर ले, ठीक है, डबलेट रूल कंप्लीट कर ले, तो इसकी हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, माइनस वन. द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास कितनी होती है, माइनस टू होती है. माइनस वन इज परऑक्साइड्स, परऑक्साइड्स में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, माइनस वन है, और ओ एफ टू की फॉर्म में ये प्लस टू है. माइनस वन बाई टू सुपर ऑक्साइड्स की फॉर्म है. ठीक है, सिंपल ऑक्साइड्स की फॉर्म में कितनी है, माइनस, सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में माइनस टू, पर ऑक्साइड की फॉर्म में माइनस वन. ठीक है, और सुपर ऑक्साइड्स की फॉर्म में माइनस वन बाई टू. ठीक है, और ओ एफ टू की फॉर्म में प्लस टू होती है. नेचुरल मॉलिक्यूल्स द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्साइड्स का नंबर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट इज जीरो. उन्होंने कहा अलजेब्रिक, मतलब हम क्या कहते हैं, प्लस माइनस सारा कुछ कर दे तो एट द एंड क्या होता है, प्लस माइनस एक दूसरे से कैंसिल आउट, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, जीरो. इन आइंस द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्साइड्स नंबर इक्वल्स टू द चार्ज ऑन द आइंस. ठीक है, जैसे सोडियम है वो अगर उसका हम क्या कहेंगे, चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, वन इसकी ऑक्सीडेशन. ठीक है, अगर हम कैल्शियम कह दें तो उसके ऊपर चार्ज लगा दें पॉजिटिव का, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, टू. टू पॉजिटिव, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या आ गई है, प्लस टू. इन एनी सब्सटेंस, इधर ले आते हैं, इन एनी एनी सब्सटांस द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज द नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है, फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज Mn. हमें पोटाशियम की भी पता है कितनी है, प्लस वन, हमें ऑक्सीजन की भी पता है माइनस टू, अभी पीछे से पड़ी है. ठीक है, इनकी वैल्यूज लिखें, प्लस वन माइनस टू, और इसकी हमने क्या करनी है, डिटरमिन करनी है. तो हमने एक फार्मूला लिख दिया है, क्या था फार्मूला हमारे पास, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम कितनी आ गई, प्लस वन. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज डिटरमिन करनी है. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास कितनी है, माइनस टू. तो जो ये जो सी वैल्यूज हैं, फोर है या इधर टू आ जाएगा, तो हमारे पास उसके साथ वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. तो फोर टू सा एट, यहाँ पर मैं एक स्टेप कर देती हूँ, प्लस वन, ठीक है, प्लस एक्स, ठीक है, और हमारे पास क्या है, फोर टू ज़ा एट, तो माइनस एट. तो एट में से वन निकाल दिए तो हमारे पास कितना आ गया, माइनस सेवन. ठीक है, साथ में क्या है, एक्स. अगर हम ये इधर हमारे पास ये किसके इक्वल है, जीरो के, तो ये वैल्यू को अगर हम उठाकर इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये प्लस हो जाती है, माइनस है तो प्लस. तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया है एक्स का प्लस सेवन. इसका मतलब है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज की कितनी आ गई है, प्लस सेवन. ठीक है, इसी तरह ऑक्सीडेशन स्टेट हमने इसमें से SO4 टू नेगेटिव में से सल्फर की डिटरमिन करनी है. तो इसकी हमारे पास टू नेगेटिव है, वो पहले ही आइन है, ठीक है, उन्होंने पहले ही बताई हुई है. तो टू नेगेटिव को हमने फोर से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास एट आ गया. ठीक है, और
यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, माइनस टू को इक्वालिटी के दूसरी साइड पर लिख दिया माइनस टू, ठीक है। हमें ऑक्सीडेशन स्टेटस की पता है माइनस टू है, तो हमने क्या किया है कि इसको फोर एट, एट जब इधर गया है तो हमारे पास यहाँ पर एक स्टेप कर लेते हैं एक्स, यहाँ पर हमारे पास माइनस एट माइनस टू, ये जब वैल्यू हमारे पास इस साइड पर आई है तो वो क्या आ गई है माइनस टू प्लस एट, एट में से टू निकाले तो सिक्स, तो लामत किसकी होती है पॉजिटिव, बड़ी कीमत की, ठीक है। तो प्लस सिक्स हमारे पास क्या आ गया है एक्स, इसका मतलब सल्फर हमारे पास उसके ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है प्लस सिक्स, या फिर टोटल की उन्होंने पूछी है, इसमें से सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है प्लस सिक्स है।